बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया वी डिवाइडेड द टू टाइप्स, ठीक है, अंडर दैट कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट एंड एक्यूट डिजीजेस आर, ठीक है, एग्जाम्पल आपने क्या लिखा था, एंड क्रॉनिक डिजीजेस टाइप, उसमें यू कैन राइट टीबी ऑल्सो, राइट डेंगू, ठीक है, ऑल दीज आर द क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है. देन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन वी हैड डिस्कस्ड, नाउ बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन, बेस्ड ऑन These are of two types. चलो तुषार फिर बता ही दे, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, हाँ जी बच्चे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल. तुषार दैट इज कॉल्ड, तो हैंडशेक कम्स अंडर विच, what is the meaning, write down. Number one, these are also called infectious disease, these are also called infectious disease. And non-communicable, infectious. These are also called non-right. अब जो communicable diseases है, as you are, all of you are saying that is this contact or all these, so we will write down, these are spread from infected person to a healthy person, right? On the other side, these are not spread from, okay, do not spread, I am just writing this thing, do not spread from, you will write the full sentence, do not spread from infected person to a healthy person, right? Third point we will write down, these are caused by, yeah, you can say ki external factors they will influence. Jaise communicate we are saying, to external factors, external agents will help. External agents mein ho gaya contact, air, soil, food, water. Theek hai na? So that's why these are caused due to the external agents. These are not caused by the external agent. Theek hai? Write down. These are caused by external, yeah, they required external agent, you can write down, they required, likh lo aap chahe chota kar lo sentence, they required external agents, you can write, वहां पे आ जाएगा, दे डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंट्स. ठीक है, देन नेक्स्ट लिखो, जैसे एक्सटर्नल एजेंट लिख दिया आपने,
तो फोर्थ पॉइंट यू कैन राइट ट्रांसमिशन इज डन बाय, यू कैन राइट ट्रांसमिशन इज डन बाय, किस किस से होगी ट्रांसमिशन, बाय कॉन्टेक्ट, एयर, वॉटर, फूड, ठीक है, एयर, वॉटर, हाँ जी, एयर, वॉटर एंड फूड, ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड वी विल राइट डाउन ट्रांसमिशन इज एब्सेंट, वी विल राइट डाउन हेयर, ट्रांसमिशन इज एब्सेंट एक्सेप्ट हेरिडिटरी डिजीज, एक्सेप्ट हेरिडिटरी डिजीज, जो हेरिडिटरी डिजीज है वो स्प्रेड होंगी, दे विल कम्युनिकेट लाइक आगे जाती है, एक्सेप्ट हेरिडिटरी डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ठीक है ना, वो पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स ट्रांसफर होती है. एग्जाम्पल लिखिए, राइट डाउन एग्जाम्पल, कोलरा, मलेरिया, मलेरिया, हियर यू कैन राइट एग्जाम्पल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन मींस जो बीपी है, डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर. नाउ एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज अल्सर, एनीवन नोस, छाले, सोर, पेप्टिक अल्सर, हाँ जी, वन टॉपिक दैट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट वन, पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर इज व्हाट, दीज आर, ए पेप्टिक अल्सर इज, या पेप्टिक अल्सर आर पेनफुल ब्लीडिंग, painful bleeding is painful bleeding in stomach, sores हो जाने, सोर्स मीन छाले पड़ जाने, ठीक है, बताती हूँ, लाइक स्टमक, राइट, यहां पे सोर्स हो जाने, इस वॉल पे, इस पे, इस तरह से सोर्स हो जाने, जब यहां पे होते, ये इसोफेगस वाली पाइप है, तो इसोफेगल बोल देते हैं हम इसको, इसोफेगल अल्सर, जब ये स्टमक की वॉल के साथ होते हैं तो स्टमक अल्सर, जिसको गैस्ट्रिक बोल देते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, ये जो वाइप होती है दिस इज ड्यूडेनम, तो यहां पे जब होते हैं तो ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है, इज इट क्लियर, ड्यूडेनम, राइट, नेक्स्ट लिखो, देवर कंसिडर्ड, हाँ जी, देवर, अब ये होते किससे थे, मतलब इसका जो यू कैन से बट इज द मेन कॉज, वी फाइंड आउट कि इसका कॉज क्या है, तो उन्होंने क्या सोचा कि दे वर कंसिडर्ड एज अ, लाइक यू कैन से कंसिडर टू बी अ कॉज बाय अ, व्हेन अ पर्सन इज अ वेरी स्ट्रेस्ड, जब ड्यू टू द स्ट्रेस इंक्रीज गैस्ट्रिक जूस, इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी, एसिडिटी आपकी बॉडी में ज्यादा हो गई, आपकी बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज हो जाए, ड्यू टू द इंक्रीज एसिडिटी तो आपको अल्सर हो सकते हैं, और एसिडिटी इंक्रीज होने के रीजन क्या बताया उन्होंने, हमारा लाइफस्टाइल, when we are taking the too much junk food, ठीक है, spicy food, as well as the stress, when we are taking too much stress of the things, then the acidity जो है वो increase हो जाती, so write down, they were considered to be caused by
they were considered to be caused by increased acidity. They were considered to be caused by increased acidity due to stress. Increased acidity due to stress and lifestyle of a person. Due to stress and lifestyle of a person. Is it clear? अब क्या हुआ? Who discovered this thing? Who told this all these things? कि why? Yeah. What is the main cause of this? ठीक है. तो we are having like two Australian scientists. वो थे हमारे पास. जिसमें से थे एक था Robin Warren, born in 1937. And scientist के name है. And other is Barry Marshall in 1951. ठीक है. They made a discovery that it is caused by a bacteria called Helicobacter pylori. ठीक है. They discovered कि this is caused by by a bacteria called Helicobacter pylori. The bacteria named is Helicobacter pylori. इस तरह से होता है ये, like this. Helicobacter pylori से it is caused. It is not like there. I'm just telling it to you, not given. They discovered. ठीक है. They made a discovery that it is caused by a bacteria called Helicobacter pylori. Now what they had done? They discovered it. ठीक है. Robin Warren ने बताया कि it was discovered, कि ये जो discovered है by a bacteria है जिसको हम बोलते हैं Helicobacter pylori. After that Robin, जो दूसरे scientist थे Marshall, ठीक है, Barry Marshall, what he had done, he prepared a culture. He cultivated the bacteria from the resources. जो resources available थे, he cultivated that thing. He cultivated, he culturing. ठीक है, उन्होंने वहां पे prepare करा. And after that they found a कि these bacteria can be killed. Yeah, what they found? Firstly, they found कि जितने patients हैं, the patients those are suffering with the peptic ulcer. तो जहाँ पे bacteria present है, ठीक है, stomach में, where the bacteria is present, there is a inflammation. Inflammation means the swollen part is there, where the bacteria is present. Where the bacteria is present in the patient body, in the stomach, they found that area is inflammated. That is swollen area is there, right? After that, they discovered, they prepared a cultivation, मतलब culture material बनाया. After that, they found these bacteria can be killed by a antibiotic. उन्होंने बाद में they discovered कि it can be killed by an antibiotic and उन्होंने इसकी medicine बनाई, right? After that, they got the Nobel Prize for this purpose. They got the Nobel Prize because ये chronic disease में पहले considered था and they make it a curable disease, treatable disease में उसको बना दिया. For this discovery, they got the Nobel Prize in 2005. Getting my point? ठीक है, अब लिख लो इसके नीचे, write down. समझ आया कि नहीं? हाँ जी. For this purpose, they got the Nobel Prize. लिख लो. Robin discovered small curved shaped bacteria. Robin discovered small curved shaped bacteria in the lower part of the stomach. Curved shaped bacteria
in the lower part of the stomach, in the lower part of the stomach of many patients. ठीक है, हाँ जी, किसके बाद? स्टमक ऑफ मेनी पेशेंट्स. एंड इंफ्लामेशन वर प्रेजेंट एंड इन, हाँ जी, एंड इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन मीन्स द स्वोलन पार्ट. ठीक है, एंड इंफ्लामेशन वर प्रेजेंट अराउंड दीज बैक्टीरिया, अराउंड दीज बैक्टीरिया. इज इट क्लियर बेटे? इंफ्लामेशन वर प्रेजेंट अराउंड दीज बैक्टीरिया. बैरी मार्शल ने फिर इसके साथ सक्सीड हुआ वो कल्चर बनाने के लिए, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि हाउ दीज अक्कर, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट. तो उन्होंने इसके लिए फिर इकट्ठे स्टडी करी एंड आफ्टर दैट दे फाउंड अ वैक्सीन. ठीक है, लिख लो, आफ्टर, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट दे फाउंड दैट पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड बाय पेप्टिक अल्सर व्हेन दे प्रिपेयर्ड द कल्चर. ना, आफ्टर दैट दे फाउंड दैट पेप्टिक अल्सर कैन बी, या पेशेंट्स ऑफ पेप्टिक अल्सर कैन बी क्योर्ड. सिंपल लाइन है, एनीथिंग यू कैन राइट, पेशेंट्स ऑफ पेप्टिक अल्सर कैन बी क्योर्ड. ठीक है, लिख लिया. हाँ, अभी होता है लेकिन क्योर्ड है. ठीक है, कैन बी क्योर्ड बाय बाय अ वैक्सीन या बाय एन एंटीबायोटिक, बाय एन एंटीबायोटिक, क्योर्ड बाय एन एंटीबायोटिक नेम्ड अमोक्सिसिलिन. This is the name of the antibiotic, say amoxicillin. It can be cured by an antibiotic. The bacteria can be killed by an antibiotic called amoxicillin. So they convert, like they help to convert the chronic disease to the curable, treatable disease. For this, they got the Nobel Prize in 2005 in. Anji, dono ne. दोनों को 2005 दे गॉट नोबेल प्राइज इन 2005 ऑफ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन. ठीक है जी, नोबेल प्राइज इन 2005 फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन.